मैं भी दौलतपुआ पहुंच रहा हूँ और अब मेरे को पकड़नी है पीरागढ़ी की बस और ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। ये दौलतपुआ का ब्रिज है तो यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी तेज चल रही हैं, आपको यहाँ पे दिल्ली में कोई लिफ्ट नहीं देगा भाई, और दिल्ली में लिफ्ट मांगनी भी नहीं है, ठीक है, बहुत समस्या हो जाएगी यहाँ लिफ्ट मांगोगे तो। आप पहली बात तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो फिर ये मेरे पीछे पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन, अब देखते हैं कोई लिफ्ट सापला रोहतक के लिए। आप लोग देखते हुए मेरे पीछे है नामगढ़ी मेट्रो स्टेशन। मैं पीरागढ़ी से नामगढ़ी पैदल आ गया लेकिन अभी तक किसी ने कोई लिफ्ट नहीं दी। आप जब तक दिल्ली NCR में रहोगे या दिल्ली में रहोगे आपको कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी। हरियाणा एंट्री होने के बाद ही आप मतलब ये कोई लिफ्ट मिलेगी, उससे पहले कोई लिफ्ट नहीं है। बाकी ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। अपनी पेड़ में जो होती है भाई, पीछे छोले भटूरे खा चुके हैं और आज चलते हैं अपने सफ़र की तरफ वापस बहादुरगढ़ की साइड। अब आइए जान में जान कुछ। अभी मैं पहुंचा हूँ बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर पर और अब इससे आगे मेरे को उम्मीद है लिफ्ट मिल जाएगी। दिल्ली NCR में किसी ने कोई लिफ्ट नहीं दी भाई, बस से आना पड़ा मजबूरी में। अब उम्मीद आगे लिफ्ट मिलेगी। हेलो गाइस, मैं आ रहा हूँ घर वापस और मैं फिर से वही पहुंच गया जहाँ पे मेरे को मैम से बहादुरगढ़ जाते टाइम उतारा था, मानेसर कुंडली फ्लाईओवर के आसपास, और मैं वहीं पे हूँ। मानेसर कुंडली के जो फ्लाईओवर हैं, अब यहाँ से लिफ्ट पकड़ेंगे महम के लिए। अब इसके बाद में फिर आगे का देखते हैं, पहले पकड़ते हैं लिफ्ट मैम के लिए। हेलो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ रोहतक। ये मेरे पीछे रोहतक ब्रिज है और इस तरफ नगर निगम रोहतक स्वागत करता है आपका। यहाँ से रोहतक है 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर है, और उसके बाद में फिर महम, फिर हांसी और फिर बरवाला, फिर अपना घर। मेरे को दी एक स्कूटी वाला मिल गया था भैया, वो भी फरीदाबाद से ही आया था स्कूटी से, तो यहाँ उतार दिया उसने ब्रिज के पास, रोहतक ब्रिज के पास। अब इसके बाद का आगे का सफर
अब किसी और भाई के साथ देखते हैं। अभी एक भाई साहब ने उतारा मेरे को यहाँ फ्लाई ओवर पे, पर लेकिन मुझे पता नहीं है मेरे को कौन सी जगह है। ये देखो पर भाई यहाँ से मैं 35 किलोमीटर दूर है, और ये पीछे फ्लाई ओवर पता नहीं कौन सी जगह पे हूँ। ये पीछे रोड पर अब मेरा बच गया 86-56 किलोमीटर, और उसके बाद में लगभग 125 किलोमीटर और है मेरा अभी सफर घर के लिए। तो अभी मैं हूँ टोल प्लाजा मैम पर, उसके बाद में देखते हैं बाकी नेक्स्ट लिंक कौन मिलेगा। गाइस ये है प्रमोद और इनके एम्बुलेंस है, मैं एम्बुलेंस में बैठा हूँ फिलहाल, और इनको जाना है हिसार और ये मेरे को छोड़ेंगे बाईपास पे, दरवाला बाईपास पे, हाँसी बाईपास पे। और इन्होंने पीछे लिफ्ट दी थी, कम से कम 15-20 किलोमीटर हो गए चलते हुए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है फिर आगे मिलते हैं। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे देखते हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है। अभी एम्बुलेंस में आया था, एम्बुलेंस के बाद में जस्ट अभी उतरा हूँ, अब हाँसी में हूँ फिलहाल, अब उसके बाद जाना है बरवाला। लिफ्ट निकल गई मेरी, मैं आ चुका हूँ अपने होम टाउन वापस, और अभी हूँ पैदल भाई आ रहे लेने के लिए। हाँ जी मैं आ गया अपने घर वापस अपने शहर। पहले तो चार्जर की USB चेंज करवानी है, फिर आगे जाना।